हेलो गाइस, आज हम गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोदक बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोदक बनाना। मोदक बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी नारियल का बुरादा लिया है और एक कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया है। ये ग्रीन फ्लेवर का है, ये इलायची फ्लेवर में है। और ये एक कप हमने दूध लिया है, 3 से 4 चम्मच हमने खांड ली है। और ये हमने 4 से 5 बादाम को बारीक कट कर लिया है और थोड़ी सी हमने टूटी फ्रूटी ली है। तो आइए बनाते हैं मोदक। ये मैंने एक पैन लिया है। सबसे पहले मैं इस पैन में ये एक कप दूध डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये इलायची फ्लेवर का मिल्क पाउडर डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी मैं। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और थोड़ा सा गाढ़ा होने दूंगी। इसमें हमने फ्रूट कलर नहीं डाला क्योंकि ये पहले से ही इलायची फ्लेवर में है। अब मैं इसमें ये नारियल का बुरादा डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारा पेस्ट गाढ़ा होने लगा है। और अब मैं इसी में ये बादाम और टूटी फ्रूट डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं पेस्ट को एक बाउल में निकाल लूंगी। इसे मैं इस बाउल में निकाल लूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी इसे मैं, और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। ये हमारा पेस्ट ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ये खांड डालूंगी और इसे मैं हाथ की मदद से मिक्स करूंगी। ये हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें खांड। अब मैंने ये मोदक का सांचा लिया है, अब मैं इसमें ये भर लूंगी। और ये हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है और इसे मैं प्लेट में रखूंगी। ये मोदक आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं।
और इसी प्रकार से मैं अपने सारे मोदक बनाकर तैयार करूंगी। ये हमारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।